को इंटीरियर के मिनिस्टर को बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ेगा और जज साहब को बताना पड़ेगा कि मैं दहशतगर्दी कर रही हूं, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। जब आप रिकॉर्डिंग मुकम्मल करेंगे, आपने वो रिकॉर्डिंग वापस कोर्ट में लेके जानी है इससे पहले कि वो किसी तरीके से भी पब्लिक हो। यू आर नॉट परमिटेड टू डू इट। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का ये है, इट इज अ क्राइम। ये क्राइम है कि आप ऑडियो वीडियो जो है, ये टेप जो है, आप इनको एक्सपोज। कौन करने वाले? कौन रिकॉर्ड करता है? आप कर सकते हैं रिकॉर्ड? मैं कर सकती हूं रिकॉर्ड? नहीं। ISI, IB, पुलिस, ये सारे सरकार के अदारे हैं और ये सरकार के अदारे कानून के खिलाफ जा रहे हैं, कानून की शिकनी कर रहे हैं। आपको पता है हमारे कोर्ट में केसेस हैं और अभी तक हमारी सुनीद नहीं हुई। ऑडियो लीक्स के ऊपर हमारी अभी तक सुनीद नहीं हुई। ये दुख भरी दास्तान है इस पाकिस्तान की कि वही अदारे जिन्होंने इन सारी चीजों की हिफाजत करनी थी, वही अदारे जो हैं सारे कानून तोड़ रहे हैं और उनको कहने वाला और पूछने वाला ही कोई नहीं है। जब खान साहब कहते हैं बनाना रिपब्लिक है, तो हम किस चीज पे एग्री करें? बनाना रिपब्लिक तो है ना। जब आपका कानून ही ना रहे मुल्क के अंदर, तो फिर यही हालात होंगे कि आपकी उन्होंने कहा जी कि वो दो घरेलू औरतें आपस में बात कर रही थी, बड़ा खतरा हो गया पाकिस्तान को। पूरी टेररिज्म इस वक्त, आपको पता, हालात पाकिस्तान के अंदर दोबारा खराब हो रहे हैं। रोजाना आप सुनते हैं टेररिज्म के एक्ट के बारे में, आज फलां जगह बम चल गया, आज फलां जगह ये कुछ हुआ। और टेररिस्ट कौन है? पहले तो मैं हूं, यानी टेररिस्ट एक्ट के तहत मैं रोजाना पेशियां भुगत रही होती हूं। यानी बजाय जिनको पकड़ना चाहिए, जो एक्चुअली टेररिस्ट हैं पाकिस्तान को, उनको तो ना पकड़े आप। इमरान खान से लेके इमरान खान के साथ जितने साथी हैं, हम सारे टेररिस्ट हैं। हमें तो अफसोस होता है कि ये जो ये कहते हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने जो आके बेड़ा गर्क इस पाकिस्तान का किया है इस एक साल के अंदर, शायद इससे रिकवर करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा। लेकिन अल्लाह ताला खैर रखे, ये वाली बात है। ये कब तक रौला डाले रखेंगे? मुराद सईद की आपने स्टेटमेंट पढ़ी?